Good morning, dear children. This is me, D.S. Kazi. Today we are going to learn a new chapter from Rhythm textbook, Standard 2, Unit number 2. And the heading of this chapter is Welcome to My World. Actually, this is a poem. The name of poem is It Is Fun. Let us recite. First of all, we will read the poem, then I will explain you. So let's read first. It's fun to be this, it's fun to be that, to leap like a lamb, to climb like a cat, to hop like a frog, to swim like a fish, to trot like a horse, to fly like a bird, I can act just like them all. It's fun to be this, it's fun to be that. तो बच्चों, ये जो poem है, fun का मतलब होता है मज़ा, मस्ती करना. तो ये बच्चा है ना, मस्ती कर रहा है. जैसे अलग अलग जानवर के नाम दिए हैं यहाँ पर, animals name, और उन animals की ये क्या कर रहा है, नकल उतार रहा है. वो जिस तरह का एक्शन करते हैं ना, तो वो भी उस तरह का एक्शन कर रहा है, क्योंकि ऐसा करने में उस बच्चे को मज़ा आ रहा है. तो यहाँ पर इस पोएम के अंदर एनिमल है लैम, यानी मेमना है, भेड़ का बच्चा, और फिर है दूसरा बिल्ली है कैट, और तीसरा फ्रॉग है मेंढक, और फिर है हॉर्स यानी घोड़ा, और फिर है बर्ड यानी पक्षी. तो इन सब की वो नकल निकाल रहा है, यानी वो जिस तरह का एक्शन करते हैं वो सेम वैसे ही उनके जैसा कर रहा है, क्योंकि ऐसा करने में उसे बहुत ही मज़ा आ रहा है. इट्स फन टू बी दिस, इट्स फन टू बी दैट. ऐसे यह भी करने में मज़ा आ रहा है मुझे, वह भी करने में मज़ा आ रहा है. दिस और दैट का मीनिंग बहुत बार बता चुकी हूँ मैं. दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह. जो पास की चीज़ रहती है उसके लिए हम दिस सिंगुलर इसमें यूज़ करते हैं, जो दूर है उसके लिए हम दैट सिंगुलर में यूज़ करते हैं. टू लिप, लिप का मतलब होता है उछलना. लाइक अ लैम, लैम यानी जो मेमना है, भेड़ का बच्चा, जिस तरह से उछलते हुए दौड़ता है, तो वो बच्चा भी उसकी तरह वैसे ही नकल कर कर उछलता हुआ दौड़ रहा है, क्योंकि ऐसा करने में उसे बहुत ही मज़ा आ रहा है, मस्ती हो रही है. टू क्लाइम लाइक अ कैट, अब आपने देखा है कि बिल्ली क्या करती है, ऊपर चढ़ जाती है. क्लाइम का अर्थ होता है चढ़ना, और लाइक यानी जैसा. तो वह बिल्ली की तरह क्या कर रहा है, बच्चा पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है. फिर है मेंढक दी है, टू हॉप लाइक अ फ्रॉग, फ्रॉग यानी मेंढक. मेंढक जिस तरह से उछलती है, हॉप का मतलब उछलना, लेकिन मेंढक की जो चाल है, जिस तरह से वो उछल के जाती है, तो वैसे ही बच्चा भी उसको नकल करने की कोशिश कर रहा है. फिर टू स्विम लाइक अ फिश, स्विम यानी तैरना, फिश यानी मछली. जिस तरह मछलियाँ तैरती है, तो उस बालक को, उस बच्चे को भी मछली की तरह तैरने में मज़ा आ रहा है. टू ट्रॉट लाइक अ हॉर्स, हॉर्स यानी घोड़ा, और ट्रॉट, ट्रॉट का अर्थ होता है दौड़ना, लेकिन कैसे, धीरे धीरे, यानी जो घोड़ा है अपने सामने के दोनों पैरों को उठाकर जिस तरह से दौड़ता है, छोटे छोटे कदम उठा करके तेज़ी से, उस तरह जो बच्चा भी है वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है. I can act, मैं नकल कर सकता हूँ. Act यानी नकल करना. Just like them all, them यानी उनका, उन सभी, all यानी सभी, उन सभी की तरह. Just यानी like यानी जैसा, just यानी अभी, उन सभी की तरह वह नकल कर सकता है. It's fun to be this, it's fun to be that. ये करने में भी मज़ा है, वो करने में भी मज़ा है. अब हम न्यू वर्ड्स देखते हैं पोएम में आया है. फन, फन मतलब मज़ा, मस्ती. क्लाइंब यानी चढ़ना, और लीप यानी उछलना, है ना, छलांग लगाना. स्विम तैरना. ट्रॉट मतलब दौड़ना, दो जो पैर है ऊपर घोड़ा से उठा करके धीरे कदम करके तेज़ी के साथ फिर दौड़ता है.
फ्लाई यानी उड़ना, अब साइट वर्ड जो है बच्चों उनको बोलते हैं कि जब हम कोई लेसन पढ़ते हैं उसके बीच में जो वर्ड्स बार बार आते हैं, रिपीट होते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, साइट वर्ड बोलते हैं। दिस का मतलब यह, डैट का मतलब वह, लाइक यानी पसंद करना, टू यानी का, की, के, देम यानी उनका, उनकी, उनके, ऑल यानी सब, और नन का अर्थ होता है कुछ भी नहीं। नाउ टर्न द पेज टू सॉल्व द एक्सरसाइज। अभी दिया है लिसन टू द साउंड दैट योर टीचर विल शेयर ऑन द मोबाइल, कैन यू आइडेंटिफाई द साउंड। अभी आपको ध्यान से इन आवाज़ों को सुनना है जो आपकी मतलब टीचर बोले, आपके साथ जो है शेयर करेगी मोबाइल से, यानी मोबाइल से आपको अपने टीचर जो है अलग अलग एनिमल्स की जो है आवाज़ निकाल कर बताएंगी, और आपको आइडेंटिफाई यानी पहचानना है साउंड यानी ध्वनि को। अब लेट्स आंसर द क्वेश्चन। अब इन प्रश्न जो जवाब है उसका क्वेश्चन हमको करना है। टीचर इफ़ यू वेयर अ कैट व्हाट वुड यू डू। टीचर बच्चों से पूछ रही है कि अगर आप बिल्ली होते तो आप क्या करते। तो यहाँ पर बच्चे, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं और एक प्रश्न का उत्तर सब बच्चे अपनी तरह से अपनी सोच के अनुसार अलग अलग देते हैं। तो पहला बच्चा बोल रहा है आई वुड रन आफ्टर अ माउस, अगर मैं बिल्ली होता तो मैं चूहे के पीछे दौड़ता। और रन यानी दौड़ना, आफ्टर यानी उसके बाद में, किसके, चूहे, माउस यानी चूहा। दूसरा जवाब देता है आई वुड ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता। और तीसरा बोल रहा आई वुड से म्याओ, और मैं बिल्ली की आवाज़ निकाल कर म्याओ करता, क्योंकि बिल्ली क्या आवाज़ निकालती है, म्याओ। अब टीचर दूसरा क्वेश्चन पूछ रही हूँ इफ़ यू मीट एन एलिफेंट व्हाट वुड यू से, अगर आप हाथी से मिलोगे तो क्या कहोगे। तो पहला बच्चा बोलता है आई वुड से हेलो, है ना, हाय भी बोल सकते हैं आप। दूसरा बोलता है कि मैं बोलूँगा आई वुड से हाउ आर यू, आप कैसे हो। तीसरा बोलता है आई वुड से वेयर आर यू गोइंग, आप क्या जा रहे, कहाँ जा रहे हो। आपके मन में जो भी सवाल है बच्चों वो आप यहाँ पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैंने जो लिखे हैं क्वेश्चन वही आप मतलब पूछे, आप अपने मन से और भी बनाकर कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट गो टू द पेज नंबर 21, एक्सरसाइज दी है हमको, उसके आंसर करने हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, पहले उनको पढ़ना है। से द वर्ड्स, हमको वर्ड्स को पहले पढ़ना है। क्लाइंब, क्लाइंब चढ़ना, लीप है ना उछलना, छलांग लगाना, स्विम तैरना, टॉट दौड़ना, फ्लाई उड़ना। तो अब हमको क्या करना है, इनके वाक्य बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं छोटे छोटे। नाउ मेक सेंटेंसेस विथ दीज वर्ड वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपको करके दिया हुआ है। देखिए पहला वर्ड है क्लाइंब, क्लाइंब का उन्होंने वाक्य बनाया है मंकीज क्लाइंब ट्रीज। फिर लीप का आप बना सकते हैं कि शिप लीप वेरी फास्ट। स्विम, स्विम का आप लिख सकते हैं कि आई कैन स्विम लाइक अ फिश या अ फिश स्विम इन द वॉटर। ट्रॉट, ट्रॉट का लिख सकते हैं आप कि हॉर्स कैन ट्रॉट ऑन द ग्राउंड। और फ्लाई, फ्लाई का लिख सकते हैं कि अ बर्ड फ्लाई हाई इन द स्काई। अब नेक्स्ट है व्हाट कैन यू डू लाइक एनी एनिमल और बर्ड, अगर आप जो है कोई जानवर और पक्षी होते तो आप क्या करते। तो अब यहाँ जो ब्लैंक है उसको फिल करना है, लिख सकते हैं आप यहाँ आई कैन स्विम लाइक अ फिश, आई कैन फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई, है ना, आई कैन रन लाइक अ कैट, जो भी आपको सेंटेंस बनाना है। नेम एनी टू एनिमल्स और बर्ड्स अदर देन फिश दैट कैन स्विम, आपको दो जानवर और पक्षी के नाम लिखना है मछली को छोड़कर जो पानी में तैर सकते हैं। तो डक और टर्टल भी पानी में तैर सकते हैं, वो लिख सकते हैं आप। नेम एनी टू एनिमल्स डैट लीव ऑन ट्री, जो पेड़ पे रहते हैं दो, उनके आपको नाम लिखने हैं। तो मंकी जो बंदर है वो पेड़ पर रहता है, और दूसरा स्पैरो लिख सकते हैं बर्ड्स, या स्क्विरल, स्क्विरल यानी गिलहरी, वो भी पेड़ पर रहती है। व्हाट कैन द चाइल्ड इन द पोएम डू, अब आपको इसका आंसर देना है कि जो पोएम है उसमें किस तरह की नकलें जो है बच्चा निकालता था, उसको क्या क्या
कर सकता था वो. तो द चाइल्ड इन द पोएम कैन लीप, है ना, वो उछल सकता था मेमने की तरह. फिर क्या करता था, हॉप कर रहा था लाइक अ फ्रॉग. फिर क्लाइंब कर रहा था लाइक अ कैट. ट्रॉट कर रहा था लाइक हॉर्स. स्विम कर रहा था लाइक फिश. एंड फ्लाई लाइक अ बर्ड. तो आप लिख सकते हो कि द चाइल्ड इन द पोएम कैन लीप, क्लाइंब, हॉप, ट्रॉट, स्विम एंड फ्लाई. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चाइल्ड इन द पोएम कैन डू सो मैनी थिंग. इस कविता के अंदर बच्चा बहुत सारी चीज़ें करता है. विच ऑफ देम एनी टू डू यू लाइक द मोस्ट. उन सब में आपको सबसे ज़्यादा दो चीज़ें कौन सी पसंद आई. तो आप लिख सकते हैं आई लाइक द मोस्ट इज फ्लाइंग एंड स्विमिंग. जो भी आपको लिखना है, जो पसंद आया वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं. इस तरह से ये यहाँ पर ख़त्म हो गया. अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर.